1857 की क्रांति के क्या कारण थे? 1757 में अंग्रेजी हुकूमत को बंगाल में सत्ता प्राप्त हुई। 1757 के बाद से 1857 इन 100 वर्षों के शासनकाल में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य फैलता गया है ना। साथ ही अंग्रेज भारत में अपनी नीतियों को क्रियान्वित करते गए, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों को। उदाहरण के लिए भू राजस्व के क्षेत्र में आपने देखा कि भू राजस्व के क्षेत्र में उन्होंने 3 तरह के बंदोबस्त लागू किए थे। उनका समस्त उद्देश्य औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होता था। 100 वर्षों के शासनकाल में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता में जो असंतोष, यानी भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में जो असंतोष पैदा होता रहा है ना, जो असंतोष का बारूद संचित होता रहा, 1857 में चर्बी कारतूस वाली घटना ने उस बारूद को चिंगारी लगाने का काम किया। विद्रोह के कारक दीर्घकालिक थे और ब्रिटिश औपनिवेशिक चरित्र में निहित थे। ब्रिटिश शासन का जो औपनिवेशिक चरित्र था उसी में विद्रोह के कारक निहित थे। विद्रोह के कारक वह नहीं थे। पिछले 100 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत में जो भी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियां अपनाई और राजनीतिक नीतियां, वो वास्तव में औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थी, मतलब ब्रिटिश हितों से प्रेरित थी, उसमें भारतीय हित न के बराबर थे। पिछले 100 वर्षों के शासनकाल में अंग्रेजों ने जो भी नीतियां लागू की उससे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का उत्पीड़न हुआ। भू राजस्व व्यवस्था द्वारा किसानों का उत्पीड़न हुआ है ना, जबरन बागान मालिकों द्वारा जबरन काम कराया गया मजदूरों से बागानों में, मजदूरों का उत्पीड़न हुआ। किसानों से जबरन उनके खेतों में मनमाफी फसल उगाए गए, खाद्यान्नों की जगह नकदी फसल उगाए गए, इससे किसानों का उत्पीड़न हुआ। सहायक संधि द्वारा और साथ ही गोद लेने की प्रथा का निषेध करके भारतीय राजाओं को उनके राज्यों से बेदखल कर दिया गया, उनका राज्य छीन लिया गया, इससे यहाँ के शासकों का उत्पीड़न हुआ। राजाओं में आस्था रखने वाली उनकी जो जनता होती थी, भारत की जो जनता थी, अपने देशी राज्यों को धर्म और संस्कृति का संरक्षक मानती थी। जब उसने देखा कि ऐसे राजा भी अपदस्थ किए गए, उनके राज्य छीन लिए गए जो कि अंग्रेजों के मित्र थे, तो इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के खिलाफ एक घृणा की भावना पनपी और ये लंबे 100 वर्षों के शासनकाल में धीरे धीरे एक घृणा की भावना पनपी। 1857 के वर्ष तक आते आते अचानक सैनिकों की चर्बी कारतूस वाली जो घटना थी, जिससे उनकी धार्मिक भावना आहत हो गई है ना। जो अफवाह फैली थी या सच्चाई थी कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है जिसे दांतों से खींचना पड़ता है, अचानक केवल एक घटना इतने बड़े विद्रोह का कारण नहीं बन जाती है। निश्चित रूप से अंग्रेजों के खिलाफ जो घृणा थी लंबे समय से थी और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में थी। यही कारण था कि 10 मई 1857 को जब मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया और दिल्ली की तरफ चल पड़े बहादुर शाह के पास ये निवेदन करने कि हम विद्रोह कर चुके हैं अंग्रेज शासन के खिलाफ, ब्रिटानी शासन के खिलाफ, आपको हमारा नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। तो जैसे ही सैनिकों ने विद्रोह किया, शुरुआत भारतीय सैनिकों ने किया, लेकिन जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ, भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग विद्रोहियों का साथ देने लगे। इवन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर वो भी नेतृत्व करने को तैयार हो गया। बहादुर शाह जफर एक नाम मात्र का बादशाह रह गया था, क्योंकि औरंगजेब के बाद आपने देखा कि विभिन्न स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था, तो बादशाह की बादशाह तो ऐसे ही वो सीमित हो गई थी जब स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। लेकिन अब भी भारत में मान मर्यादा के तौर पर बादशाह को स्वीकार किया जाता था है ना, मर्यादा के तौर पर ही और सम्मान देने के तौर पर ही उसकी बादशाह को स्वीकार किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने, जैसे लॉर्ड एमहर्स्ट ने, सब आगे पढ़ेंगे आप, लॉर्ड एमहर्स्ट 1822 से 1828 तक गवर्नर जनरल रहा, उसने मुगल बादशाह की बादशाहत मानने से इनकार कर दिया। डलहौजी ने बादशाह को कहा कि आपको लाल किला खाली करना पड़ेगा, डलहौजी ने बादशाह को कहा, उस समय जफर था, बहादुर शाह जफर। साथ ही डलहौजी ने भी कहा कि अब आपको अपना उत्तराधिकारी नामित करने का अधिकार नहीं रह गया, मुगल बादशाह अगला कौन होगा यह हम तय करेंगे। तो मुगल बादशाह का अपमान करना, यही कारण था कि जब सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया तो भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग विद्रोहियों का साथ देने लगे। ऐसे वर्गों में मजदूर भी थे, किसान भी थे, क्योंकि किसानों का भी उत्पीड़न हुआ था। वे भारतीय राजा जो अपने राज्यों और जायदाद से बेदखल किए गए थे, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, नाना साहब, तो ये सभी लोग विद्रोहियों का साथ देने लगे। इसके परिणाम स्वरूप विद्रोह का स्वरूप एक तरह से अखिल भारतीय हो गया।
है ना, मतलब हर वर्ग विद्रोह में शामिल हो गया और अंग्रेजों के खिलाफ जो कर सकता था उस दौरान विद्रोहियों का साथ दिया, कुछ नहीं तो विद्रोहियों को शरण ही दी, तो वो भी एक तरह से क्रांति में भाग लेना ही कहलाता है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, जो लिखा हुआ इसकी व्याख्या करता जाऊंगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के मुख्य कारक, अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारक क्या था, तो विद्रोह का मुख्य कारक ब्रिटानी शासन द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण था। पिछले 100 वर्षों के शासनकाल में औपनिवेशिक शासन द्वारा या ब्रिटानी शासन द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण था। अगर पूछा जाएगा कि विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो 1857 की चर्बी कारतूस वाली घटना थी, ठीक है, जिसके खिलाफ पहले बैरकपुर में बंगाल रेजिमेंट के बैरकपुर जो छावनी थी उसमें विद्रोह हुआ, उसके बाद मेरठ में 10 मई को विद्रोह यानी गुस्सा फूट पड़ा। धार्मिक कारणों से था, वो आगे पढ़ेंगे कि सैनिकों ने क्या किया, जब हम घटनाक्रम पढ़ाएंगे विद्रोह की शुरुआत और उसका विस्तार उस समय से पढ़ाएंगे, फिलहाल हम कारणों पर गौर कर रहे हैं। तो प्रमुख कारण तो आर्थिक शोषण था, लेकिन तत्कालिक कारण चर्बी कारतूस वाली घटना थी। आइए आर्थिक कारणों पर हम गौर करते हैं। वास्तव में ब्रिटानी शासन द्वारा जो आर्थिक शोषण की नीति थी, है ना, औपनिवेशिक आर्थिक शोषण की नीति, वही विद्रोह का प्रमुख कारण बनी। अंग्रेजों ने जब भारत में सत्ता हासिल की तो विजित क्षेत्रों में यानी बंगाल में जीते गए क्षेत्रों में उन्होंने नई भू राजस्व बंदोबस्त किया। शुरू में बंगाल पर कब्जा था, तो आपने पढ़ा पिछले वीडियोज में कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का प्रयोग किया, है ना, उत्तर भारत में, विशेष रूप से बंगाल के क्षेत्र में। बाद में जब अंग्रेज और क्षेत्रों को भी जीतते चले गए, तो आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में रैयत वाली व्यवस्था लागू की, इसी तरह पश्चिमोत्तर भारत में महाल वाली व्यवस्था लागू की। तो जैसे जैसे अंग्रेज जीतते गए भारत को, उन्होंने भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था अलग अलग क्षेत्रों में लागू की, दक्षिण भारत में रैयत वाली, उत्तर भारत में स्थायी बंदोबस्त और पश्चिमोत्तर भारत में महाल वाली व्यवस्था। तो उनकी जो नई भूधृत पद्धतियां थी, लैंड टेन्योर सिस्टम्स, वो वास्तव में किसानों का उत्पीड़क थे। विशेष रूप से स्थायी बंदोबस्त में बिचौलिया बना दिया गया था जमींदारों को, जमींदारों से कह दिया गया था कि तुमसे मुझे इतना रकम चाहिए भू राजस्व के रूप में सालाना, 10/11 मुझे चाहिए, 1/1 तुम रखो, बाकी किसानों से क्या वसूल करना है वो तुम जानो। तो वास्तव में जमींदार इससे किसानों का उत्पीड़न करते चले गए, यानी उनकी जो भी नीतियां थी वो किसानों की उत्पीड़क थी। तो नई नई भू राजस्व व्यवस्थाएं, इसके अलावा लगान यानी करों में वृद्धि लगातार की गई, हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों का उन्होंने पतन किया। जब से ब्रिटेन से कपड़ा मंगाने लगे, है ना, सूती कपड़े का आयात होने लगा, तो स्थानीय दस्तकारी और कपड़ा उद्योग का बहुत तेजी से पतन हुआ, भारत में बेरोजगारी बढ़ी। ब्रिटेन में तो भारतीय संसाधनों के बल पर ही ब्रिटेन में खूब औद्योगिक क्रांति हो रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटेन के ही तर्ज पर नए उद्योगों का विकास करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि अगर वो भारत में उद्योगों का विकास करते तो वही उद्योग इंग्लैंड के उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में आ जाते। वो नहीं चाहते थे कि भारत में ऐसा औद्योगिकरण हो जो ब्रिटिश उद्योगों के प्रतिस्पर्धा में उतरे। तो भारतीय उद्योगों का इससे पतन होता चला गया, इंग्लैंड से जो आयात की नीति थी, है ना, भारतीय बाजारों को इंग्लैंड के कारखानों में बने हुए कपड़ों और अन्य सामानों से पटा गया, जिससे क्योंकि वहां की कारखानों में बनी वस्तुएं, मशीन से बनी वस्तुएं सस्ती थी और कुशल थी, जबकि भारतीय कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग की वस्तुएं महंगी होती थी। इसके चलते यहाँ के कुटीर उद्योगों का तेजी से पतन हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। बागानों में मजदूरों से और नील मजदूरों से, यानी बागान में जो काम करने वाले मजदूर थे, है ना, और नील की खेती करने वाले जो मजदूर थे, उनसे जबरन श्रम कराया जाता था, कभी कभी बेकार कराया जाता था, है ना, यानी बिना मजदूरी दी या तो बहुत कम मजदूरी कराया जाता था। इसके अलावा आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि जो नील मजदूर होते थे उन पर बड़ा उत्पीड़न होता था। नील मजदूरों को न केवल नील के खेतों में काम कराया जाता था, बल्कि जब नील की कटाई हो जाती थी फसल की, तो नील को साफ करना, उसको कई दिनों तक पानी में सड़ाया जाता था, है ना, वो एक तरह से बहुत ही गंदा क्षेत्र होता था, पानी में सड़ाना, फिर कैसे उससे नील निकालना, सुखवाना, वो बहुत ही मेहनत का काम सारा कुछ होता था, और ये सारा कुछ मजदूरों से, नील मजदूरों से बहुत ही कम मूल्य देकर कराया जाता था, एक तरह से उनके साथ जानवरों के साथ व्यवहार किया जाता था नील मजदूरों से। तो कृषकों की इच्छा के विरुद्ध उत्पादन कराया गया, आपने पीछे सारा कुछ पढ़ा ही है, कृषकों से कौन कौन से पहले से ही वो करा लिए जाते थे, करार करा लिए जाते थे, जिससे आपने पढ़ा था, जिससे ददनी प्रथा, तिलकटिया प्रथा, क्या क्या, तो पहले ही करार कर देते थे कि आप अपने खेत में इतना, इतने खेत पर, अपने खेत के इतने भाग पर यही फसल उगाएंगे, खाद्यान्न नहीं उगा सकते, जैसे नील उगाएंगे, रबड़ उगाएंगे, चाय उगाएंगे। तो इस तरह से करके किसानों से पहले से ही
अग्रिम पेशगी देकर, अग्रिम पेशगी मतलब पूर्व धनराशि छोटा मोटा देते थे और उसी धनराशि पर साल भर उनसे जबरन खेती करवाते थे, मन माफी फसल लगवाकर, है ना। तो किसानों से इच्छा के विरुद्ध उनके खेतों में उत्पादन कराया गया। निश्चित रूप से खाद्यान्नों का उत्पादन भारत में गिरा। खाद्यान्नों का उत्पादन गिरेगा तो क्या आएगा? अकाल आएगा। विडंबना ये थी कि किसानों से अकाल की स्थिति में भी लगान मांगा गया, यानी किसान अगर उत्पादन नहीं कर पाया है ना, सूखा पड़ गया है, अगर किसी वर्ष बाढ़ आ गई, उनकी फसल नष्ट हो गई, या सूखा पड़ गया, उनकी फसल नष्ट हुई, बरसात नहीं हुई, ऐसी स्थिति में भी किसानों से लगान प्राप्त किया जाता था, उनका लगान माफ नहीं किया जाता था। इसका परिणाम ये होता था कि किसान अनाज तो पैदा किया नहीं, तो लगान कहाँ से दे, मतलब किया भी तो नष्ट हो गई उनकी फसल प्राकृतिक आपदा में, बाढ़ सूखा के चलते, तो लगान कैसे देंगे। परिणाम ये होता था कि पैसे के जुगाड़ में, जो कि लगान देना था, पैसे के जुगाड़ में किसान किसी महाजन के पास जाता था। महाजन से कहता था, आप हमें इतना उधार दीजिए। महाजन कहता था कि हम उधार तो देंगे लेकिन इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे। किसान बेचारा समझ नहीं पाता था, महाजन के चुंगल में लंबे समय तक फंसता था। किसान महाजन से ऋण लेकर कि अंग्रेजों को तो चुका देता था, लेकिन महाजन इतने उस समय तेज थे कि किसान बेचारा जिंदगी भर अपने चक्रवृद्धि ब्याज ही चुकाता रहता था, मूलधन कभी चुका नहीं पाता था। इतना पैसा ही नहीं होता था कि मूलधन चुका है, यानी अगर 2 रुपया मूलधन है तो अपने जीवन भर में 100 रुपया उस पर चक्रवृद्धि ब्याज चुका देता था, इतना उत्पीड़न होता था। सवाल है कि महाजनों के पास इतनी ताकत कहाँ से आती थी किसानों का उत्पीड़न करने की। तो उस समय की जो न्यायपालिका थी, अंग्रेज कानून व्यवस्था तो सही चलाते थे देश में, इसमें दो राय नहीं है। कानून लागू करते थे, कानून बनाते थे और कानूनों का क्रियान्वयन होता था, लागू भी होता था। लेकिन आज भी जब सूचना प्रौद्योगिकी इतनी तेज हो गई है, जो गलत काम करने वाले प्रशासनिक सिस्टम में लोग हैं उन पर पूरी तरह नकेल नहीं लगाई जा सकी है, तो उस समय में 200-250 साल पहले क्या स्थिति रहेगी। तो भ्रष्ट अधिकारी उस समय भी होते थे, महाजनों से मिली भगत हो जाती थी। न्याय का पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी होते थे न्यायपालिका के और महाजन की मिली भगत के चलते किसान जिंदगी भर न्यायालय में मुकदमा करने के बावजूद न्याय नहीं पाता था, बल्कि उल्टे उसको मुकदमे में फंसा दिया जाता था। आज भी न्याय प्रणाली जो हमारी न्याय सिस्टम है वो कहीं कहीं से अमीर लोगों की गिरवी है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कानून व्यवस्था और न्याय का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गरीब छोटी सी चोरी करने के जुर्म में आजीवन जेल में बंद रहता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। एक दो बार आप न्यायालय में हाजिर होंगे, फिर आपको कुछ पैसे देने होंगे और आप छोड़ दिए जाएंगे, और आपके समर्थक भी पैदा हो जाएंगे जो कि जय जयकार करेंगे। तो पैसा बहुत सारा कुछ खेल खिलाता है। तो सोचिए, जब आज ये हालत है तो 200-250 साल पहले क्या, परिणाम स्वरूप किसानों को न्याय नहीं मिल पाता था, आजीवन महाजनों के चुंगल में फंसा रहता था, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। राजनीतिक कारण आइए देखते हैं। राजनीतिक कारण कई तरह के थे। सबसे पहले हम भारत में सत्ता का जो प्रतीक था, भारतीय सत्ता का प्रतीक, ब्रिटिश सत्ता का नहीं, भारत में भारतीय सत्ता का प्रतीक अब भी मुगल बादशाह था। हालांकि औरंगजेब के बाद स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, स्वतंत्र राज्यों ने अपनी आंतरिक नीतियां खुद निर्धारित की, मुगल बादशाह की हुकूमत उन पर नहीं चलती थी, लेकिन फिर भी नाम मात्र के नहीं, मुगल बादशाह उन्हें एक तरह से अनुमति प्रदान करता था स्वतंत्र राज्य चलाने के लिए। आप समझ रहे हैं, यानी बंगाल, अवध जो स्वतंत्र राज्य, हैदराबाद, बंगाल, अवध, रुहेलखंड, ये सब जो स्वतंत्र राज्य उत्पन्न हुए थे औरंगजेब के बाद छोटे छोटे, इन पर भी एक तरह से मुगल बादशाह इन्हें अनुमति देता था, और मुगल बादशाह की अनुमति एक मर्यादा होती थी जिसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार करते थे कि हम मुगल बादशाह के मातहत शासन कर रहे हैं। हालांकि मातहत वास्तव में नहीं होते थे, लेकिन नाम मात्र की मर्यादा होती थी कि हम मुगल बादशाह के मातहत शासन कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों का साम्राज्य जैसे जैसे भारत में बढ़ता गया, अंग्रेजों में दम आता चला गया। अंग्रेजों का जब साम्राज्य फलता फूलता चला गया, विजय करते चले गए, तो अब भी भारत में जो हुकूमत थी किसकी थी, मुगल बादशाह की ही थी, नाम मात्र की ही थी। जैसे मुगल बादशाह स्वतंत्र राज्यों पर राज्य करता था अनुमति देकर, नाम मात्र का ही, उसी तरह जब अंग्रेज भारत में सत्ता हासिल करते गए तो मुगल बादशाह भी उन्हें अनुमति देता गया, क्योंकि सैनिक शक्ति तो मुगल बादशाह के पास थी नहीं बहुत ज्यादा, है ना, जबरदस्ती कर नहीं सकता था। तो अपनी मर्यादा और इज्जत बचाने के लिए क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अनुमति है, तुम शासन करो भारत पर, है ना।
तो एक तरह से मुगल बादशाह शुरू से ही अंग्रेज गवर्नर, जो अंग्रेज गवर्नर जनरल या गवर्नर होते थे, मुगल बादशाह उन्हें बेटा कहता था, पुत्र या बेटा कहकर संबोधित करता था प्यार से। लेकिन लॉर्ड एमहर्स्ट पहला गवर्नर जनरल था 1822 से 1828 तक, उसने मुगल बादशाह की बादशाहत को मानने से इनकार कर दिया। बोला कि सारी शक्ति तो हमारे हाथ में है, तो बादशाह कैसे, समझ रहे हो। इसी तरह डलहौजी ने, जो कि 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल था, डलहौजी ने बादशाह को, उसमें बसा था मुगल बहादुर शाह जफर, तो डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को लाल किला खाली करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि अब आप अपना उत्तराधिकारी नामजद नहीं कर सकते। हालांकि मुगल बादशाह ने लाल किला खाली नहीं किया। अब आइए दूसरे राज्यों पर देखते हैं। दूसरे राज्यों पर अत्याचार की शुरुआत विशेष रूप से लॉर्ड वेलेजली ने की। 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। घोर साम्राज्यवादी था। आते ही भारतीय साम्राज्य, भारतीय राजाओं का विलय करने के लिए, उस समय फ्रांस के आक्रमण का खतरा था, है ना। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन आपस में युद्धरत थे। लॉर्ड वेलेजली पर यह जिम्मेदारी आन पड़ी कि भारतीय जो देसी राजा थे उनको अपने अंडर में करे, कहीं वो फ्रांस से समझौता न कर ले भारत पर आक्रमण करने के लिए। आपने पीछे पढ़ा कि कैसे टीपू सुल्तान ने प्रयास किया था नेपोलियन से बातचीत करके भारत पर आक्रमण करवाने का, कि फ्रांस भारत पर, मतलब अंग्रेजों पर जो ब्रिटिश भारतीय थे उन पर आक्रमण कर दे। तो इस बात की सुगबुगाहट वेलेजली को हो गई थी। वेलेजली ने फ्रांस के आक्रमण से बचने के लिए और भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को पूर्ण स्थापित करने के लिए आते ही सहायक संधि का व्यूहरचना किया और भारतीय राज्यों पर सहायक संधि थोप दिया। भारतीय राजा क्यों स्वीकार कर लिए सहायक संधि को, नहीं स्वीकार करते तो युद्ध करना पड़ता। वो जानते थे कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने युद्ध में हमारा टिकना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पहले टीपू सुल्तान को कई बार हराया जा चुका था और उसके पहले बंगाल पर कब्जा किया जा चुका था प्लासियर बक्सर में, उसके बाद मैसूर को हराया जा चुका था टीपू को। तो भारतीय राजाओं ने डरकर सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। आप जब लॉर्ड वेलेजली पढ़े थे उसकी सहायक संधि, तो आपको पता है कि कौन कौन से भारतीय राजाओं ने सहायक संधि स्वीकार कर ली और अपनी विदेश नीति अंग्रेजों के हाथों गिरवी कर दी। हालांकि भारतीय राजा आंतरिक नीतियों में तो स्वतंत्र थे, लेकिन उसमें भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि जो राजा सहायक संधि को स्वीकार कर लेते थे उन्हें अपने राज्यों में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था। अंग्रेज रेजिडेंट हमेशा उन पर नजर रखता था। तो नाम मात्र के लिए ही जो देसी राजा थे, सहायक संधि स्वीकार करने वाले देसी राजा, वो नाम मात्र के लिए ही आंतरिक नीतियों में स्वतंत्र थे, क्योंकि उसमें भी ब्रिटिश अंग्रेज रेजिडेंट का हस्तक्षेप होता था। और विदेश नीति तो पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में दे देंगे। जैसे कि अगर अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया या पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार किया, तो इसका अर्थ था कि अवध का नवाब और पेशवा कभी भी किसी दूसरे राज्य से युद्ध या मित्रता की घोषणा नहीं कर सकता था। इसका निर्णय कौन करेगा? अब अंग्रेज करेंगे, यानी उनकी विदेश नीति टोटल अंग्रेजों के हाथों में आ जाती थी, है ना। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली से भारतीय राज्य, उसकी वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली से भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो बैठे थे और मौके की तलाश में थे कि कुछ ऐसा हो कि हम इन अंग्रेजों को भारत से बेदखल करके फिर से अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लें। क्योंकि जब स्वतंत्रता छीन जाती है तो घुटन होने लगती है, अफनाहट होने लगती है। डलहौजी ने इसी तरह गोद लेने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया। डलहौजी का शासनकाल आपने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, वहां आप अच्छे से पढ़े हैं। तो डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि ऐसे राज्य जिनका वास्तविक पुत्र नहीं है, ऐसे नवाब या राजा जिनका अपना पुत्र नहीं है, वो दत्तक पुत्र लेंगे तो दत्तक पुत्र को हम नवाब या राजा स्वीकार नहीं करेंगे। दत्तक पुत्र मतलब जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, उसे दत्तक कहते हैं। उसने कहा कि उन्हीं पुत्रों को मान्यता दी जाएगी राजा के रूप में जो कि वास्तविक पुत्र होंगे, खून से पुत्र होंगे, लेकिन जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसे हम राजा नहीं मानेंगे। ऐसे बहुत से राज्य जो कि जिनमें दत्तक पुत्र थे, वास्तविक पुत्र नहीं था, मतलब राजा का उत्तराधिकारी जो राजकुमार होता था वो दत्तक था, तो ऐसे सभी राज्यों का डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और दत्तक पुत्रों को पेंशन दे दी गई। बाद में दत्तक पुत्रों को जिन्हें पेंशन दे दी गई थी उनकी पेंशन भी रुकवा दी उसने दत्तक पुत्रों की। यानी दत्तक पुत्रों, जैसे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, तो नाना साहब की जब पेंशन भी छीन ली गई, पेशवाई तो खत्म ही कर दी गई बाजीराव द्वितीय के बाद इनकी, नाना साहब की, है ना, पेशवाई किसने छीन ली इनकी? डलहौजी ने। क्योंकि डलहौजी ने क्या कहा कि दत्तक पुत्रों को हमने राजा मानेंगे ना पेशवा मानेंगे, तो पेशवाई तो छीन ही ली गई गोद लेने का अधिकार निषिद्ध करके। बाद में पेंशन भी बंद कर दिया गया, तो नाना साहब के सामने मौका ही क्या था कि रानी लक्ष्मीबाई और दत्तक टोपे से हाथ मिला के अंग्रेजों के खिलाफ कुछ चक्र प्रारंभ करें। तो
गोद लेने की प्रथा को डलहौजी ने अस्वीकार कर दिया। इस तरह से बहुत से एक के बाद एक 1848 से सिलसिला शुरू हुआ। झांसी, सतारा, बघाट, संबलपुर, जैतपुर, सारा कुछ आप पढ़े हैं, उदयपुर, तो इन सभी राज्यों का विलय कर लिया गया था। वो सभी राजा जिनका राज्य छीन लिया गया था अपना खोया हुआ राज्य पाने के लिए एक अवसर की तलाश में थे। कौन अपना राज्य नहीं पाना चाहेगा, है ना, अवसर की तलाश में थे, इसलिए विद्रोहियों का साथ दिया। क्या उसमें राष्ट्रीयता की भावना थी उसके चलते अंग्रेजों के खिलाफ कूद पड़े? नहीं, उसमें राष्ट्र शब्द महत्व नहीं रखता था। राष्ट्र शब्द से परिचय कराने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। हालांकि राजा राम मोहन राय का जन्म और उनकी गतिविधियां 1857 की क्रांति के पहले ही प्रारंभ हो गई थी। राजा राम मोहन राय का जन्म और उनकी जो सामाजिक गतिविधियां थी 1857 की क्रांति की पहली प्रारंभ थी, लेकिन अभी भी राजा राम मोहन राय जैसे जो कुछ व्यक्ति थे वो राष्ट्रीय चेतना का भारत में विकास बहुत ज्यादा नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज पर राष्ट्रीयता से ज्यादा धर्म का आवरण था। तमाम सामाजिक कुरीतियों को धर्म की मान्यता थी, तो जो धर्म कहता था लोग वैसे ही चलते थे। तो ऐसे भारतीय राजा जो कि विद्रोहियों का साथ दिए अंग्रेजों के खिलाफ, वे किसी राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित नहीं थे। सबको अपना खोया हुआ राज्य चाहिए था। अगर अपना खोया हुआ राज्य अगर अंग्रेजों ने इनका लौटा दिया होता, झांसी की रानी को या नाना साहब को या अन्य राजाओं को, उनका खोया हुआ राज्य मिल गया होता तो विद्रोहियों का साथ कभी नहीं देते, क्योंकि उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी और न ही 1857 की क्रांति राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित थी। अवध का राज्य 1765 की इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की एक दूसरी संधि हुई थी, मैंने पीछे बताया था, जिक्र किया था। अवध का राज्य इलाहाबाद 1765 में इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद से ही अंग्रेजों का परम मित्र राज था। अवध राज्य ने कभी भी अंग्रेजों की किसी आज्ञा का अवहेलना नहीं किया था। यहाँ तक कि 1801 में अंग्रेजों ने जब सहायक संधि अवध राज्य पे थोप दी, तो अवध राज्य ने बेरजली के काल में जब सहायक संधि 1801 में अवध राज्य पर उसने थोपी सहायक संधि, तो अवध राज्य ने सहायक संधि को सहर्ष स्वीकार किया था। यानी अवध ने कभी भी अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना नहीं की थी और लगातार उनका एक परम मित्र और सलाहकार राज्य बना रहा। इसके बावजूद 1856 में डलहौजी के शासनकाल में जब अवध के राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया, किस आधार पर? कुशासन का आरोप लगाकर कि आप अपना शासन ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, जनता परेशान है आपके राज्य में, और जनता को मुक्ति तब मिलेगी जब उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा और आपके राजकाज को हम देखेंगे, मतलब अंग्रेज। तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वास्तव में अवध का जो विलय था वो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था, उसको किसी भी आधार पर सही ठहराया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि एक ऐसा राज्य जो पिछले लगभग 90 वर्षों से अंग्रेजों का परम मित्र बना हुआ था, उसका विलय कुशासन के आधार पर, क्योंकि अवध के तो दत्तक पुत्र भी नहीं था, अवध के राज्य का जो राजा था वास्तविक पुत्र था वाजिद अली शाह, वास्तविक पुत्र था अवध का, तो दत्तक पुत्र नहीं था, तो उसका विलय किया कैसे जाए, सवाल ये खड़ा हुआ डलहौजी के सामने कि बिना दत्तक पुत्र वाले राज्यों को तो हमने मिला लिया, अवध को कैसे मिलाए, कौन सा बहाना छोड़े? तो बहाना मिला कुशासन का, कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया अवध राज्य को। और वाजिद अली शाह ने जिस तरह से शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए गद्दी छोड़ दी, तो उससे जनता की अपने नवाब में निष्ठा और बढ़ गई, है ना। जैसे अगर आपके साथ न्याय हो और आप मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक खड़े रहें या बहुत ज्यादा हाथ पैर ना मारें, तो चार लोग जो आपको देखेंगे वो आपके समर्थक बनेंगे, ये एक स्ट्रेटजी होती है। हालांकि नवाब वाजिद अली शाह की कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, आज ये स्ट्रेटजी प्रयोग में लाई जाती है तमाम आंदोलनों में, आप देखते हैं, है ना, तमाम हाल के जो वर्षों में आंदोलन हुए उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। खैर, तो वाजिद अली शाह ने जिस तरह शांतिपूर्वक गद्दी छोड़ दी, उससे अवध की जनता की निष्ठा अपने राजा के साथ होगी, है ना। उस समय जो भारतीय जनता थी ना, अपने राजाओं को धर्म और संस्कृति का संरक्षक मानती थी। उस समय की जो भारतीय जनता थी अलग अलग देशी राज्यों की, वो अपने राजाओं को धर्म और संस्कृति का संरक्षक मानती थी। एक तरफ तो अंग्रेज भारत में नई नई व्यवस्थाएं लागू कर रहे थे, भू राजस्व के क्षेत्र में नई शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा ला रहे थे, है ना, भारतीय कानून बनाकर भारतीय समाजों और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे थे, सती प्रथा प्रतिबंधित कर रहे थे, बाल विवाह को निषिद्ध कर दिया अंग्रेजों ने, है ना, इसी तरह बाल विवाह को निषिद्ध किया, कन्या वध पर भी रोक लगा दी, विधवा पुनर्विवाह के लिए भी प्रयास कर रहे थे अंग्रेज की जो विधवाएं हैं उनका पुनर्विवाह के लिए कानून बनना चाहिए, है ना।
भारतीयों ने इसको एक तरह से उनकी जो आधुनिक सोच थी अंग्रेजों की, भारतीयों ने उनकी आधुनिक सोच को स्वीकार न करके कहीं कहीं से अपने धर्म संस्कृति पर हमले के रूप में देखा। अंग्रेजों की आधुनिक जो मानवतावादी भी सोच थी कुछ, उसको भारतीयों ने अपने धर्म और संस्कृति के हमले के रूप में देखा। और जब अवध का विलय कर लिया गया तो ऐसे में इन राज्यों की जनता अपने राज्यों को राजाओं को धर्म और संस्कृति का संरक्षक मानती थी, इसलिए अंग्रेजों से घृणा करने लगी, एकदम नफरत करने लगी। डलहौजी ने दत्तक पुत्रों की पेंशन भी रुकवा दिया बाद में, है ना। उदाहरण के लिए अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन रुकवा दी, ठीक है। सामाजिक धार्मिक कारण क्या थे, जो थोड़ी देर पहले बताया, सामाजिक रीति रिवाजों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने का मौका मिला, ठीक है, ईसाई मिशनरीज जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई, यानी छूट मिल गई। इसके बाद ईसाई मिशनरियां भारत में जगह जगह संस्थाएं स्थापित कर दी अपना। भारत में वो हर जगह नजर आने लगे, ईसाई धर्म की खूबियों पर बात करते हुए। वो कहीं भी खड़े हो जाते चार लोगों के साथ, अपने लोगों को लेके, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, जेलों में, मेले में, बाजार में, हर जगह वो ईसाई धर्म की खूबियों पर बात करने लगे, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे। शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, बाजारों, जेलों में खुलेआम ईसाई धर्म की खूबियों पर बात करने लगे। तो इससे भारतीयों में कहीं कहीं से आशंका घर करने लगी कि अंग्रेज हम लोग को ईसाई बनाने पर आमादा है, ये अंग्रेज हम लोग को ईसाई बनाने पर आमादा है। इसी बीच अंग्रेजों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में लाड मैकाले विधि, जो एक शिक्षा परिषद गठित की गई थी, शिक्षा समिति बेंटिक के काल में, शिक्षा समिति के सदस्य लाड मैकाले शिक्षा समिति का विधि सदस्य था। विधि सदस्य लाड मैकाले ने परामर्श दिया कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बनाया जाना चाहिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार किया, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बना दिया गया। एक तरफ ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म की खूबियों का बखान, दूसरी तरफ अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या अंग्रेजी शिक्षा में ऋग्वेद पढ़ाया जाएगा? नहीं, अंग्रेजी शिक्षा में निश्चित रूप से जो पश्चिमी आदर्श है, पश्चिमी संस्कृति है, कहीं ना कहीं से उसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से लाया जाएगा। तो उस शिक्षा को भी एक तरह से भारतीयों ने हमले के रूप में देखा, अंग्रेजी शिक्षा और उसमें जो पढ़ाया जाता था। जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता चला गया, है ना, जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता चला गया, अंग्रेज अपनी प्रजाति यानी निर्जाति श्रेष्ठता पर बल देने लगे कि यूरोपी श्रेष्ठ हैं और भारतीय प्रजाति के लोग कहीं कहीं से हीन हैं। तो प्रजाति श्रेष्ठता पर बल देने लगे और भारतीयों को असभ्य कहने लगे, इस तरह से बर्ताव करने लगे जैसे भारतीय एकदम असभ्य होते हैं। अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बनाना अपना नैतिक दायित्व तो समझने लगे, यानी अपना अधिकार समझने लगे कि भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे भारतीयों को सभ्य बनाया जा सके। उदाहरण के लिए अंग्रेजी शिक्षा, उदाहरण के लिए सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाना, तो तमाम वो ऐसे काम करने लगे जिससे भारतीयों को सभ्य बनाया जा सके। तो अंग्रेजों का कहना था कि हम भारतीयों पर शासन अपने हित के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भारतीयों पर शासन भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए कर रहे हैं। और भारतीयों को कैसे सभ्य बनाया जाएगा, कानून लागू करके, अंग्रेजी शिक्षा देके। तो भारतीयों को ये सब चीजें नागवार गुजर रही थी कि ये हमें असभ्य समझ रहे हैं और हमें शिक्षित करना, हमें सभ्य बनाना चाहते हैं और अपने को सभ्य समझ रहे हैं। तो अंग्रेजों को सभ्य बनाना, सॉरी भारतीयों को सभ्य बनाना अपना अधिकार समझने लगे। काले गोरे का जो भेद होता है वो खुलकर उजागर करने लगे अंग्रेज, है ना, स्पष्ट रूप से उजागर होने लगा, उभरने लगा धीरे धीरे काले गोरे का भेद। क्लबों और होटलों, क्लब हो गया, क्लब, होटल, स्विमिंग पूल, रेस्तरां, जितने भी मौज मस्ती वाली जगहें थी वहां पर भारतीयों का प्रवेश पाना प्रतिबंधित कर दिया गया। हाँ, इसके कुछ गहरे कारण भी हैं। आज भी आप देखते होंगे कि जब कोई फॉरेनर आता है तो पाश्चात्य, कोई भी संस्कृति हीन नहीं होती है, कोई भी संस्कृति लंबे समय के प्रयोग का और जलवायु का परिणाम होती है, लंबे समय के ज्ञान का, जलवायु का और तमाम प्रयोगों का परिणाम होती है। अब अंग्रेज अगर वहां से घूमने यहाँ आते हैं तो भारत एक गर्म देश है, तो वो कम कपड़े पहनते हैं भारत में आके। उदाहरण के लिए कैफरी या हाफ पैंट, ऐसे कपड़े पहनेंगे जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगे, क्योंकि वो ठंडे देशों के लोग होते हैं, वो यूरोपीय होते हैं। तो यूरोपीय अगर भारत में घूमने आएगा तो कोट पहन के तो घूम नहीं पाएगा। तो वैसे भी वो वैचारिक रूप से खुले होते हैं, उनके यहाँ छोटी छोटी बातों में इज्जत को आंच नहीं आती। हमारे यहाँ क्या है कि छोटी छोटी बातों में इज्जत को आंच आने लगती है। आज भी गांव में अगर
एक महिला जींस पहन के घूम ले तो उसकी माँ बाप की इज्जत कहीं कहीं से खतरे में पड़ जाती है। तो उनके यहाँ वो इज्जत वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सोचिए जब आज भी यह हाल है कि वहां से लोग आते हैं भारत में घूमने कैमरा लेकर, इधर उधर लेंस चमकाते रहते हैं अपना, है ना, फोकस चमकाते रहते हैं, तो भारतीयों को आपने देखा होगा कि उन्हें एक कहीं कहीं से हे दृष्टि से देखते हैं अंग्रेजों को, जैसे वो ऐसे देखते हैं जैसे कि ये ठीक लोग नहीं है, आत्मसात नहीं कर पाते हैं, या फिर ऊपर से नीचे तक तब तक घूरेंगे जब तक वो महिला जो कि फ्रांस से या जापान से आई है ओझल ना हो जाए आंखों के सामने से। तो आज भी देर तक ऐसे घूरना कि किसी को असहज कर देना, तो आज भी ये हालत है। तो निश्चित रूप से 17वीं 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में ये स्थिति और ही गंभीर रही होगी। एक ऐसा भारतीय समाज जो कि कन्याओं का वध कर देता हो, एक ऐसा भारतीय समाज जो कि महिलाओं को इसलिए जला देता हो चिता पर बैठा के कि उसका जब पति परलोक सिधार गया तो जिंदा रह के क्या करेगी। तो ऐसा भारतीय समाज निश्चित रूप से उसके सामने अंग्रेज असहज महसूस करते रहेंगे। तो जहां पर भी अंग्रेजों की मौज मस्ती की जगह थी वहां पे भारतीयों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। लेकिन इससे भारतीयों में ये संदेश चला गया कि ये हमको हेय दृष्टि से देखते हैं, हमको प्रवेश पाने के काबिल नहीं समझते हैं। तो आमतौर पे ऐसे जगहों पर बाहर लिखा होता था इंडियन एंडॉक्स आर नॉट अलाउड, ऐसे भेदभाव किया जाता था बहुत ज्यादा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और डलहौजी के समय में हिंदू समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी उनको दूर करने के लिए कुछ कानून पारित किए गए लॉर्ड डलहौजी और बेंटिक के समय में, विशेष रूप से 1857 की क्रांति से पहले की बात है। तो जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में विधवा प्रथा एक्ट, है ना, विधवा प्रथा एक्ट नियम 17 पारित हुआ, कन्या वध निषेध एक्ट पारित हुआ। इसी तरह लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था कि विधवाओं का पुनर्विवाह हो तो कोई विरोध करे तो उसे जेल में डाल दें, यानी विधवाओं का विवाह करने से कोई रोक न सके दोबारा। तो इसीलिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था, किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। लेकिन ये एक्ट कब बना, जब लॉर्ड केनिंग आया, लॉर्ड डलहौजी के ठीक बाद अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग है। लॉर्ड केनिंग के आते ही विद्रोह प्रारंभ हो गया, हालांकि जो कारनामे हुए थे लॉर्ड केनिंग के पहले हुए थे, लेकिन लॉर्ड केनिंग जब आया तो कारनामे तो 100 सालों में हो ही चुके थे तो विद्रोह हो गया। लेकिन ये जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट है, सॉरी अधिनियम, विधेयक, विधवा पुनर्विवाह विवाह विधेयक यानी बिल, ये डलहौजी ने लाया था और केनिंग ने आते ही इसे पारित कर दिया, यानी विधवाओं का पुनर्विवाह हो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब जो सामाजिक उनके सुधार के जो कानून थे इसको भी भारतीयों ने कहीं कहीं से अपनी धर्म और संस्कृति पर हमले के रूप में देखा। वो भारतीयों को लगा कि ये हमारी धर्म और संस्कृति को नष्ट करके मानेंगे, है ना, हमको ईसाई बनाना चाहते हैं, हमारी धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। ये हो गया 1857 की क्रांति के सामाजिक राजनीतिक, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक और आर्थिक कारक। इसके बाद एक मात्र कारक बचा है सैनिक कारक। तो अगले वीडियोज में आप देखेंगे 1857 के विद्रोह के सैनिक कारक और साथ ही तत्कालिक कारक, है ना, और उसके साथ ही विद्रोह का प्रारंभ और विस्तार पर भी चर्चा की जाएगी। फिर 1857 के विद्रोह का स्वरूप देखेंगे, विफलता का कारण देखेंगे और उसका प्रभाव क्या हुआ विद्रोह का, ये भी देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।